अगला प्रश्न पनवर जी का है, वो ये पूछ रहे हैं कि ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से या चलने की वजह से पांव की नसें फूलने लग जाती हैं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उन्हें आराम मिलना शुरू हो। देखो, पांव की नसें जिसकी भी फूलती हो, कायाकल्प पट्टी खाली पेट ले ले, कायाकल्प पट्टी खाली पेट, खाने के बाद चंद्रप्रभा वटी कैशोर गुकुल, खाली पेट कायाकल्प पट्टी, खाने के बाद कैशोर गुकुल चंद्रप्रभा वटी, ये खा ले, मिट्टी का लेप लगा ले, और मिट्टी में एलोवेरा, नीम और हल्दी, एलोवेरा, नीम, हल्दी और देसी कपूर मिल जाए तो और अच्छी बात, उसमें मुल्तानी मिट्टी भी मिला दे थोड़ी सी, 100% ये पैरों के नसें फूलने वाली समस्या खत्म हो जाती है, और हम ये 7 दिन में ही कर देते हैं कार्यक्रम, लंबा समय नहीं लगता इसमें। बहुत खूब स्वामी जी, ये छोटी छोटी बातें, और ये 7 पॉइंट है, देखो ये दबाओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हाथ में भी और पैर में भी, आप अगला प्रश्न ले लो, और ये हम लाइव इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे ही अभ्यास अपने घर में भी कर सकते हैं, तो एक तरफ ये सारे अभ्यास भी बता रहे, दूसरी तरफ प्रश्नों का उत्तर भी दे। स्वामी जी, अगला सवाल सीता का है, भी मसल्स की कोई भी प्रॉब्लम, हाथ में पैर में 7 पॉइंट जी। अगला सवाल सीता का है, सीता पूछ रही है, सिजेरियन डिलीवरी के वक्त पीठ पर लगे इंजेक्शन में 1 साल बाद भी दर्द बना हुआ है, जिससे लोअर बैक में दर्द बना रहता है, अब इसे कैसे ठीक किया जाए? लोअर बैक पेन के लिए सबसे अच्छा ट्रेडिशनल मेडिसिन है त्रयोदशांग गुग्गल। त्रयोदशांग गुग्गल सुबह दोपहर शाम एक एक गोली ले ले, और अंदर से मसल्स भी वीक हो जाते हैं, इसलिए इम्यूनोग्रीड स्प्रे लेना और मोरिंगा जो है ये फूड सप्लीमेंट के तौर पर ले ले, 100% बैकिंग ठीक हो जाएगा, जो आज अभ्यास बताए थे उनको थोड़ा सा कर लेंगे। वैसे स्त्रियों के लिए तो जो देखो, ऐसे तो लेडीज जेंट्स किसी को भी कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन स्त्रियों के दर्द के लिए खास करके एक हमने औषधि बना रखी है, नारी सुधा, नारी सुधा सिर्प, नारी सुधा टैबलेट, दो दो गोली सुबह शाम खा लेंगे, और ये देखो ये एक पॉइंट है, इस अनामिका के टॉप पर यहाँ से दबाते हैं, ऐसे हाथ में टॉप पर ऐसे, बाकी तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट, और पैर में यहाँ से दबाते हैं, ये यहाँ से, और इस छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली के टॉप पर और इसके मूल में।